दोस्तों केजीएफ मूवी ने आज दुनिया में तहलका मचा रखा है। केजीएफ का पूरा नाम है कोडार गोल्डफील्ड। केजीएफ की कहानी भी एक रॉबिनहुड पर बनी है जिसका नाम है थंगम। थंगम का गांव कोडार से महज 11 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कोडार खान दुनिया की सबसे गहरी खदानों में से एक है। क्या है कोडार के असली हीरो की कहानी? उस समय की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार थंगम को कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन के बाद दूसरे स्थान पर माना जाता था और उसे वीरप्पन के जूनियर करार दिया गया था। 1997 में इंडियन टुडे की एक रिपोर्ट जिसकी कुछ दिनों पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई का कहना है कि पिछले 4 सालों में उनके नाम 42 अपराध थे और उन्होंने 2 दिसंबर को एक स्टोर में 105 लाख रुपए के गहने चुराए। थंगम ने कथित तौर पर स्थानीय लोगों के समर्थन का आनंद लिया क्योंकि वे वीरप्पन की तरह ही एक रॉबिनहुड के रूप में थे। थंगम पर उसकी अंतिम साजिश डकैती के बाद दृष्टि आदेश जारी किया गया जो पुलिस बल के लिए शर्मनाक साबित हुआ। उनकी मृत्यु के समय थंगम केवल 25 वर्ष का था। 27 दिसंबर 1997 को आंध्र प्रदेश में चित्तूर जिले के कुप्पम में केजीएफ पुलिस द्वारा मारा गया था। बाद में पुलिस ने थंगम के तीनों भाइयों को मुठभेड़ में मार गिराया, संगायम, गोपी और जय कुमार, जबकि गोपी और जय कुमार की जुलाई 2003 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसी साल अक्टूबर में संगायम को मार दिया गया था। उनकी मां पोली ने मुठभेड़ पर सीबीआई जांच की मांग करते हुए एक याचिका दायर की और 2012 में संजायाप्ता पुलिस अधिकारी रमेश कुमार को सीबीआई ने 6 अन्य लोगों के साथ संगायम की मुठभेड़ के लिए आरोपित किया गया। तो दोस्तों ये थी हमारे केजीएफ के असली हीरो की कहानी। जानकारी कैसी लगी आप कमेंट कर जरूर बताना और मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए NH Point YouTube चैनल को। धन्यवाद।